नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सितंबर के तीसरे हफ्ते में हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 20 सितंबर को तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि कोविड-19 की वजह से विधानसभा के चुनाव टाले जा सकते हैं। इसके अलावा सूत्रों का यह भी कहना है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2-3 चरणों में हो सकता है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित लोगों के लिए आयोग अलग बूथ बनाने पर विचार कर रहा है। इससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में कहा था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान सितंबर तक हो जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने सुशांत सिंह के रसोई नीरज से पूछताछ की है। नीरज ने बताया था कि अभिनेता की आत्महत्या वाले दिन उन्होंने उन्हें जूस दिया था। नीरज से बिहार और मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है। उन्होंने ही अभिनेता द्वारा दरवाजा न खोलने की बात कही थी। नीरज सिंह ने बताया कि आत्महत्या वाले दिन सुशांत ने उनसे पानी मांगा था और फिर वो ऊपर कमरे में चले गए थे। वहीं रिया चक्रवर्ती 12 जून को सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। कोरोना का कहर दिल्ली में कुछ कम जरूर हो गया है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में ये कोरोना योद्धाओं की जान भी ले रहा है। ऐसे ही कोरोना योद्धा थे सफाई कर्मचारी राजू। राजू की मौत कोरोना के कारण हो गई। यही वजह है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजू के घर पहुंचे। केजरीवाल ने राजू के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी और परिवार के लिए 1 करोड़ की आर्थिक मदद की। झारखंड के साहिबगंज इलाके में शुक्रवार दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप के झटके दोपहर 12:07 पर महसूस किए गए। फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कोरोना वायरस संकट से बचाने के लिए एक तरफ जहां रिम्स प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, वहीं लालू की सुरक्षा में तैनात 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुवार शाम को पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट आने के बाद लालू को इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने रिम्स प्रबंधन और हादसा प्रमुख को इसकी सूचना दी। एहतियातन लालू को कोरोना संक्रमण के किसी खतरे से बचाने के लिए निदेशक के बंगले में स्थानांतरित किया गया है। इसी के साथ ब्रिटेन छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई एसी टीवी पार्किंग सिक्योरिटी लिफ्ट फुल सैनिटाइज्ड रूम टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी के बीच उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मुंबई के 3 जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं को पर्युषण प्रार्थना करने की अनुमति दी। अदालत ने मुंबई के दादर बायकुला और चेंबूर में स्थित जैन मंदिरों को 22 और 23 अगस्त को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़ी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने साफ कहा है कि यह रियायत सिर्फ किसी अन्य मंदिर और गणेश चतुर्थी समारोह पर लागू नहीं की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के आचरण की जांच के लिए 3 न्यायाधीश वाला पैनल गठित करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। गोगोई वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित याचिका को असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि याचिकाकर्ता ने पिछले 2 सालों में सुनवाई के लिए दबाव नहीं डाला। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों में लगातार दूसरे दिन भी उछाल देखने को मिला। शुक्रवार को 68,898 नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 29 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 21.5 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी भी आई है। शुक्रवार सुबह अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 983 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 54,849 हो गई है। यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधायक जन्मेजय के निधन के कारण सदन की कार्यवाही शनिवार दोपहर 11:23 तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की सदर सीट के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जन्मेजय सिंह का गुरुवार देर रात लखनऊ में हार्ट अटैक आने से निधन हो गया था। तेलंगाना के श्रीशैलम स्थित TS जेंको पावर प्लांट में गुरुवार रात आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। 3 की तलाश जारी है। रेस्क्यू टीम ने बताया था कि 10 लोगों को बचा लिया गया है। 9 कर्मचारी लापता हैं। फिलहाल हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तेलंगाना के मंत्री जी जगदीश्वर रेड्डी ने बताया कि हादसा गुरुवार रात करीब 10:30 बजे हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज
फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गरिशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।